नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा एस्ट्रोबेल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आपको नववर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही हम अपने संस्थान की ओर से कामना करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नया साल आने से पहले हमारे मन में अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत होती है कि हमारा यह साल किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। क्या इस वर्ष हमारा व्यवसाय प्रगति करेगा? क्या हमें अपना मनचाहा साथी मिलेगा? घर में सुख शांति बनी रहेगी? संतान सुख मिलेगा या नहीं? हमारे पास धन संपत्ति आएगी क्या? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? न जाने कितने सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उन सवालों के जवाब पाने के लिए ही हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्यों ने आपके लिए वर्ष 2019 का वार्षिक राशिफल विभिन्न 12 राशियों के अनुसार आपके लिए तैयार किया है। सौर मंडल में स्थित 9 ग्रहों की चाल और उसका पड़ने वाला सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम क्या होगा, आइए अब हम जानते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और साथ में दिया गया बेल का आइकन जरूर दबाए ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए अब हम जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2019 किस तरह से व्यतीत होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं करियर से। वर्ष 2019 के अनुसार करियर की दृष्टि से यह साल कई नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी करने वाले जातक खुश हो जाइए, यह वर्ष आपकी तरक्की के लिए उत्तम रहने वाला है। आप अपनी मेहनत से ऊंचाई पर पहुँचने वाले है। हालांकि अप्रैल महीने में अपने कार्यक्षेत्र में किसी से बहस होगी जो मानसिक रूप से परेशान करेगी, अतः शांति से काम ले और बेवजह के विवादों से बचने की कोशिश करें। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर है। वे लोग जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए भी विदेश जा सकते हैं। साथ ही किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है। इस वर्ष प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले जातक सावधान रहे, आपके कई शत्रु हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अध्यापन से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए वर्ष 2019 बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलने की संभावना है। यदि आपका व्यापार कपड़े का है तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इस व्यापार से आप खूब धन कमाएंगे। दुग्ध तथा पानी का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। नवीन नौकरी की तलाश करने वाले जातकों के लिए इस वर्ष के अंत तक सफलता अवश्य मिलने वाली है। आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इस वर्ष किसी शुभ समाचार के मिलने से घर में हर्ष का माहौल रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय रहेगा। इस साल घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। घर परिवार में शादी ब्याह, बच्चों का नामकरण या नए घर का गृह प्रवेश होने की संभावना है। आप अपना अत्यधिक समय काम में ही लगाएंगे। काम की अधिकता के कारण आप घर पर कम समय बिता पाएंगे। ऐसे में आपको निजी और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाकर चलना होगा। इस वर्ष के चैत्र मास में आपके द्वारा तीर्थ यात्राएं हो सकती है। इस साल आपके परिवार का कोई सदस्य अपनी फील्ड में अच्छा कार्य करेगा, जिसके कारण समाज में परिवार का भी मान सम्मान बढ़ेगा। नए लोगों से मित्रता होगी। इस वर्ष आपकी फैमिली लाइफ सामान्य गति से चलती रहिए। इस वर्ष के मध्यकाल में आपके परिवार में धन संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं, इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाना बेहतर है और अपनी सूझबूझ से बात को गंभीर न होने दे। इस साल दादा दादी या माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, अतः उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें। परिवार का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलता रहेगा। भाई बहनों के साथ तथा मित्रों के साथ आप इस वर्ष अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2019 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। वर्ष 2019 आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। इस वर्ष आपको अपने माता पिता से
कीमती वस्तु या प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिसके कारण आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई देंगे। बिजनेस या नौकरी में भी धन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस साल की शुरुआत एवं अंत में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। जब भी आप धन निवेश की कोई योजना बनाते हैं, तब अपने घर वालों की सलाह अवश्य लें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलने के योग है। आप घर, जमीन या कोई नया वाहन खरीदी कर सकते हैं। अगर आप विदेशी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। इस वर्ष मकर राशि के लोगों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास रंग लाएंगे। आप इस वर्ष धन का निवेश गोल्ड में भी कर सकते हैं। इस वर्ष किसी मांगलिक कार्य पर आपका काफी धन खर्च हो सकता है, इसलिए पहले से ही सावधान रहे। आइए अब हम जानते हैं संतान के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। इस वर्ष संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपकी संतान किसी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिसके कारण आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। आपकी संतान अगर तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रही है तो निश्चित रूप से उसमें सफल होगी। अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य कलाओं में भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दीजिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। उनकी सफलता देखकर आप भी खुश होंगे। इस वर्ष के अंत में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है या किसी से गलत मित्रता उनका मन पढ़ाई से दूर करवा सकता है, इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। इस वर्ष के मध्यकाल में युवा संतान से बहस भी हो सकती है, जो किसी कीमती वस्तु के लिए होगी। अपने व्यवहार में नरमी रखें। बच्चों का मन गलत कार्य की ओर भी आकर्षित होने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अपने घर का वातावरण हमेशा अच्छा बनाए रखें। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ष उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है। अगर आपने सावधानी बरती तो निश्चित रूप से बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे। आइए अब हम जानते हैं शिक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। जो छात्र कला तथा वाणिज्य से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको इस वर्ष मेहनत करने की आवश्यकता है। विशेषकर वे छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा इस वर्ष के अंत तक अवश्य पूरी होगी। वकालत, अध्यापन तथा कला के क्षेत्र में जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वे छात्र जो सरकारी क्षेत्र, सिविल सेवा, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस साल कामयाबी मिल सकती है। हालांकि इन परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाना आपकी मेहनत पर डिपेंड रहेगा। इस वर्ष मार्च अप्रैल में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। इस अवधि में माता पिता और गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो कि आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाएगा। आइए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। इस वर्ष के शुरुआत के माह में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु उसके बाद अगस्त तक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती रहेगी। आपको त्वचा संबंधी बीमारी, अपचन, बुखार, सूजन, बीपी की समस्या हो सकती है। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें। नवंबर महीने तक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपको मौसम से संबंधित छोटी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। आप अगर मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कामकाज से थोड़ा ब्रेक लेकर कहीं घूमने जाएंगे तो यह आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। फास्ट फूड का अत्यधिक प्रयोग ना करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको बीमारी के रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और ऐसा कोई काम ना करें जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर परिवार में साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय संयम रखें, अन्यथा दुर्घटना के योग इस वर्ष बने हुए हैं। आइए अब जानते हैं प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। इस वर्ष के शुरुआती महीने प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही रोमांटिक है। इस वर्ष प्रेमी जोड़े थोड़े अलर्ट रहे, अन्यथा शत्रु नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपका प्रेमी आपसे दूर है तो आप जल्दी ही उससे मिलने वाले हैं, परंतु इस बीच इस बात का ख्याल रखें कि कोई आपके प्यार पर नजर रखे हुए है और आपके बीच विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सावधान रहे।
जो प्रेमी अभी अभी लव रिलेशन में आए हैं उनके बीच कुछ ही समय में नोकझोंक संभव है, परंतु यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। साल के अंत में प्रेम संबंधों के लिए और भी अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही है। आप अपने लव पार्टनर पर अपनी बातों को मनवाने का प्रेशर ना रखें, अन्यथा रिश्ता टूट भी सकता है। अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है इस वर्ष के अंत तक आपका रिश्ता शादी के बंधन में तब्दील हो। दोस्तों, धन, संतान, स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह आपके जीवन में बार बार आपको परेशान कर रहे हैं और इन परेशानियों से आप निजात चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान से जुड़िए। हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्य आपका मार्गदर्शन करेंगे तथा आपके जीवन को सुखी बनाने के कुछ सटीक उपाय आपको बताएंगे। आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।